महाराष्ट्र में बीजेपी की औकात क्या थी? महाराष्ट्र में बीजेपी की औकात क्या थी? कुछ औकात नहीं थी। हमारे माननीय बाला साहब ठाकरे की देन है कि आज महाराष्ट्र में बीजेपी के एमएलए भी इतने, एमपी भी इतने। जैसे जैसे मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सभी पार्टियां महानगर पालिका की सत्ता हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। आज इसी पे चर्चा होगी। हमारे साथ मौजूद हैं वाहतूक शिवसेना पार्टी के, वाहतूक सेना के पूर्व महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष डॉक्टर समीम अहमद खान जी। महानगर पालिका मुंबई में जो चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही समय बचे हैं और इसी पर आज उनसे चर्चा होगी। मैं सबसे पहले एक शिवसेना का आम कार्यकर्ता हूं, माननीय बाला साहब ठाकरे का एक छोटा सा सिपाही हूं, और माननीय चीफ मिनिस्टर उद्धव जी ठाकरे साहब, माननीय आदित्य जी ठाकरे साहब, और शिवसेना का एकदम छोटा अदना सा कार्यकर्ता, अदना सा सिपाही हूं। ये तो आपको सबसे पहले बता दूं कि बीजेपी हमेशा तोड़ और जोड़ का काम करती है। ऑलरेडी महाराष्ट्र में 2012 के महानगर पालिका में 236 ही सीट थे। शिवसेना को दबाने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए 9-10 सीटें कम कर दिए, 9 सीटें कम कर दिए थे। वापस जब शिवसेना की सरकार आई, लोगों को महानगर पालिका में तकलीफ होने, वार्ड बढ़ गया तो उसे तकलीफ परेशानी होने लगी, तो आम जनता की मांग थी कि नहीं, वार्ड बढ़ना चाहिए, क्योंकि वार्ड बड़े होने की वजह से डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, क्योंकि उनका निधि एक सीमित आता है, तो वार्ड कम हो गया तो निधि की कमी पड़ जाती, इसलिए वार्ड को वापस बढ़ाया गया और सबके सहमति से बढ़ाया गया। एनसीपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना और भी बाकी सबके सहमति से उसको बढ़ाया गया और जोर तो लगा है। और बीजेपी के यहाँ पर अस्तित्व क्या है? आप 4 दिन पहले 5 दिन पहले हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने बोला कि हमने 25 साल बीजेपी के साथ बेकार किया, व्यर्थ किया। ये हकीकत साहब ने बोला। महाराष्ट्र में बीजेपी की औकात क्या थी? महाराष्ट्र में बीजेपी की औकात क्या थी? कुछ औकात नहीं थी। हमारे माननीय बाला साहब ठाकरे की देन है कि आज महाराष्ट्र में बीजेपी के एमएलए भी इतने, एमपी भी इतने, लेकिन अब इनके उल्टी गिनती चालू हो गई है। अभी 2024 में जो भी एमपी का इलेक्शन होगा, एमएलए का इलेक्शन होगा, खुद ब खुद दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। इनका यही काम है, कुछ तो करते नहीं, ना किसी को कुछ करने देते, इनका काम ही ऐसा है बदनाम करना। आज महानगर पालिका से पूरे मुंबई के लोग, आप मीरा रोड से लेकर कुलाबा तक, कुलाबा से लेकर मुलुंड तक, मुलुंड से लेकर चीता कैंप ट्रॉम्बे तक आप चले जाइए, जहाँ पे बीएमसी है, महानगर पालिका है, वहाँ के हर लोग खुश है। सबका यही कहना है कि जो काम बीएमसी शिवसेना कर सकती है वो तो कोई नहीं कर सकता। आज 300 साल से हमारा बीएमसी पे कब्जा है, क्यों हमको जनता नहीं हटाती? जनता जानती है कि शिव सैनिक का एक एक कार्यकर्ता, एक एक गट अध्यक्ष, उप शाखा अध्यक्ष, शाखा अध्यक्ष, नगर सेवक, एमपी, एमएलए, यानी ग्रास लेवल पे डोर टू डोर, मैन टू मैन, मैन कॉन्टेक्ट रखता है। कुछ भी होता है, आज एक शिवसेना के एमएलए के घर पे लोग चले जाते हैं, नगर सेवक के घर पे चले जाते हैं। अब बता दो किसी और पार्टी बीजेपी के पार्टी वाले के घर पे जाए, नहीं जा सकता है, कोई नहीं जा सकता है। हमारा नगर सेवक, हमारा एमएलए, हमारे चेंबूर के प्रकाश पात्र के एमएलए, इनको ही ले लीजिए, इनको ही देख लीजिए, आपको लगे नहीं कि एमएलए, एक छोटा बच्चा भी उनसे बात कर सकता है, एक कतना आदमी भी उनसे बात कर सकता है। तू कराम काते साहब है, राहुल शिवाले साहब है, सचिन बाहिरे, कोई भी जाकर इनसे मिल सकता है, बात कर सकता है। इतने आम आदमी की तरह थे, कोई दिखावा नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए मुंबई की जनता जानती है कि अगर मुंबई में बीएमसी किसी को देना है तो शिवसेना को देना है। शिवसेना के अलावा कोई इतना अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि वो डोर टू डोर घर समझेगी नहीं, और मैन टू मैन और ग्रास लेवल पर एक एक चीज़ जानते हैं, एक एक चीज़ उनको नॉलेज है। उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा काम, उनकी तकलीफ क्या, पानी की तकलीफ क्या, रोड की तकलीफ क्या, नाले की तकलीफ क्या है, गटर की तकलीफ क्या है, गली की तकलीफ क्या है, ये सारी समस्या जानते हैं और उनको मिलकर काम करते हैं। सालों से, 3-4 दशक से हमारा बीएमसी पे कब्जा है। अगर हमने काम किया है तो आया ना, अगर हम काम नहीं करते तो हम क्यों लगातार चुन के आते, किस लिए चुन के आते? मुझे ये तो बताए कि ये कोरोना वैक्सीन के पहले देश में कोई वैक्सीन नहीं लगा, कोरोना वैक्सीन कर, पोलियो का वैक्सीन लगा, खसरा का वैक्सीन लगा, टीवी का वैक्सीन लगा, हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगा, इस तरह 200 किस्म की वैक्सीन लगा, लेकिन किसी भी वैक्सीन के ऊपर सब वैक्सीन फ्री में मिला। कोई बोल सकता है वैक्सीन पैसे से मिला? आज भी वो वैक्सीन बीएमसी के हॉस्पिटल में फ्री में मिलता है, आज भी लोग बच्चों को लगवाते हैं, लेकिन किसी वैक्सीन में प्रधानमंत्री का फोटो लगा?
किसी प्रधानमंत्री ने फोटो लगाया कि मैंने बनाया, मैंने किया, ये बोलते मैंने वैक्सीन बनाया, मेरे कार्यकाल में वैक्सीन बना। अरे कोई एक ऐसा अनुसंधान सेंटर बना दो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बना दो जहां पे आप इंस्टीट्यूट बनाए हो 7 सालों में और आपने वैक्सीन बनाया। जिस इंस्टीट्यूट का नाम लेते हो, जिस इंस्टीट्यूट में वैक्सीन का नाम लेते हो, जिस इंस्टीट्यूट में वैक्सीन बना वो भी पुरानी सरकार ने बनाई है, वो भी पुरानी सरकार में। लेकिन ना ही सरकार ने अपना फोटो लगाया, ना ही सरकार ने बोला मैंने फ्री में दिया, ना ही सरकार ने बोला मैंने फ्री में किया। ऐसे बहरुपिया मैं तो और भी एक माननीय प्रधानमंत्री जी से एक सवाल करूंगा, पूछूंगा। आप बोलते हो आपके माध्यम से आपके चैनल वाले प्रधानमंत्री की बात पहुंचाऊंगा कि सर आप बोलते हो कि पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर है, 135 करोड़ जनता के प्राइम मिनिस्टर है, और आपके सीएम बोलते हैं 80 और 20। आप प्रधानमंत्री जी आप जहां जाते हैं, जिस ये में जाते हैं, वहां का टोपी पहनते हैं, वहां का पगड़ी बांधते हैं, वहां का सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं आज से बहुत पहले सवाल उठाया था, आज भी ये सवाल उठाता हूं कि जब आप बोलते हो 135 करोड़ जनता के आप प्रधानमंत्री हो तो आप एक टोपी क्यों नहीं पहनते हो? आपको टोपी पहनने का डर है कि आरएसएस वाले हटा देंगे आपको? आपको ये डर है? आपको विश्व हिंदू परिषद डर है? आपको आरएसएस डर है? जब आप बोलते हो कि 135 करोड़ जनता के हम ये हम सबका साथ सबका विकास, एक बार आपको कोई मुस्लिम को आपको टोपी भी पहनना चाहिए? जब हर किस्म की टोपी पहनते हो, हर किस्म की पगड़ी पहनते हो, हर किस्म के ड्रेस पहनते हो, तो आपको पहनना चाहिए? ऐसा मैं प्रधानमंत्री से बताऊंगा। और रही सवाल, हम लास्ट में आएंगे अपने बीएमसी पे मुंबई की जनता जानती है, मुंबई की पब्लिक जानती है कि बीएमसी में शिवसेना से अच्छा कोई काम नहीं कर सकता है, शिवसेना से अच्छा कोई नगर सेवक नहीं हो सकता है। इसलिए काफी सालों से हमको चुनकर दे रहे हो और 2022 के में भी हमको चुनकर देंगे। और बीजेपी से तो लोग इतना चिढ़ है कि जो इनकी सीट आई वो भी सीट जाएगी, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, यहाँ पे बीएमसी से शुरुआत हो जाएगा इनका। देखिए बीएमसी से इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, एमएलए कलेक्शन में सुपड़ा साफ हो जाएगा, एमपी कलेक्शन में सुपड़ा साफ हो जाएगा। इनको कहीं कहना कि इनकी नीति समझ में आ गई है। इनके पास एक ही मुद्दा है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान जिन्ना, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं इनके पास कि डेवलपमेंट कुछ तो बताए। अगर कोई बीजेपी का लीडर है 5 वर्ग तो बता दे, सिर्फ इनके पास एक ही वर्ग है, टॉयलेट बनाया, राशन दिया और घर दिया, और घर किसको मिला? किसी को नहीं मिला, गिनती में इतने गिनाते हैं जितने को मिला नहीं, सारे पैसे लोग खा गए इनके। भ्रष्टाचार कम करेंगे, ये कम करेंगे, मुझे कम से कम बीजेपी के कोई भी लीडर, कोई भी कार्यकर्ता मुझे इतना तो बता दे कि जब ये सरकार आई 2014 में तो सबका साथ सबका विकास की नारा दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अरे एक कोई चीज ऐसा बता दे जो सस्ता हुआ है, कोई एक चीज बता दे जो सस्ता हुआ। जितने भी चीज थी, सुई से लेकर पेट्रोल तक सबका दाम 2 गुना 3 गुना बढ़ गया है, कोई एक चीज तो बता दे कि कोई चीज सस्ता हुआ है? सिर्फ ये जुमलोबाजों के झूठों की पार्टी है, सिर्फ जुमलोबाजों के झूठों की पार्टी है। मैं पूछना चाहूंगा कहां गया 15 लाख? कब आएगा काला धन? आया काला धन? मोदी जी का चिट्ठी गुम हो गया? चिट्ठी गुम है, हम चिट्ठी पहुंचाते हैं मोदी जी के पास। तो हमारे साथ में महाराष्ट्र के पूर्व वाहतूक सेना के शिवसेना पार्टी के तेज तर्रार कर्मठ नेता डॉक्टर समी अहमद खान जी चर्चा कर रहे हैं। चुनावी चर्चा में आज उनकी मौजूदगी है। मुंबई महानगर पालिका के कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं, लगभग अप्रैल महीने में चुनाव होने जा रहे हैं मुंबई महानगर पालिका के, और मुंबई महानगर पालिका चुनाव पर डॉक्टर समी खान से चर्चा चल रही है। कर्मठ नेता रहे हैं, अपने कामों के लिए क्षेत्र भर में जाने जाते हैं, महाराष्ट्र के दौरे पर रहते हैं। महाराष्ट्र अपने कार्यकाल में शिवसेना पार्टी को उन्होंने एक मजबूती दी थी। सर, जिस तरह आप भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, सहयोगी रही है शिवसेना पार्टी की महानगर पालिका में, और जिस तरह अब चुनाव भी आने हैं और सत्ता में अगर शिवसेना पार्टी को रहना है, आपका ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी जो है वो सहयोग नहीं बन सकता, तो जिस तरह अभी कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि हम अकेले के बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे, तो शिवसेना पार्टी किसके साथ युति करके लड़ पाएगी? या अकेले के बलबूते पे 236 सीटें शिवसेना पार्टी लड़ेगी? ये तो बहुत ही टॉप लेवल का विश्लेषण है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब, आदित्य जी ठाकरे साहब पार्टी के बहुत सुप्रीम लीडर है, वो लोग बैठ के चर्चा करेंगे। उनका जो चर्चा होगा, उनका जो हुकुम होगा, हम लोग शिवसेना के एक आम कार्यकर्ता है, छोटा सिपाही है,
और हमेशा जो आला कमान का हमारे माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब का, आदित्य जी ठाकरे साहब का और पार्टी के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी है, जो उनका हुक्म होगा, जो उनका ऑर्डर होगा, उस पर हम लोग एक पैर पे खड़े रहेंगे, उनके आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब विषय उनको तय करना है। अकेले लड़ेंगे, अलायंस करेंगे, वो सब तय उनको करना है। उनका जो निर्णय होगा उस पर हम लोग सारे कार्यकर्ता और सारे पदाधिकारी, सारे लीडर वो मान्य करने को तैयार है, मान्य करते हैं और करते रहेंगे। हम उनका जो निर्णय होगा उस पर करेंगे और तन मन धन से बीएमसी का जो काम है, जो वर्क हम लोगों ने किए, हम लोग डोर टू डोर जनता को पहुंचाते हैं, पहुंचाते रहेंगे, मदद करते हैं, आगे भी मदद करते रहेंगे। सर, आपने टोपी की बात की है, समाज के आप नेता रहे हैं महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र भर में आपकी चर्चा रहती है, लोग आपकी बातों पर अमल भी करते हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री, जिस तरह आपने कहा कि टोपी समाज की लगाते नहीं हैं, तो क्या लगता है कि आपको कि जो प्रधानमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर दोगली राजनीति करती नज़र आती है, ऐसा आपको लग रहा है क्या? बिल्कुल, ये दोहरा राजनीति है ना, ये 100% दोहरा राजनीति है। देश के प्राइम मिनिस्टर, उनके चहेते सीएम बोलते हैं 80% और 20%, उनको उसी वक्त संज्ञान लेना चाहिए। मुझे वो याद आता है, अटल बिहारी वाजपेयी जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी जी गुजरात का, उस वक्त दंगा हो गया, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था आप राष्ट्र धर्म निभाइए और आप इस्तीफा दीजिए। उनको हम मानते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको मैं मानता हूँ लीडर है। इस तरह का बयान देने पे योगी को उनको मना करना चाहिए, योगी को मना करें कि इस तरह का स्पीच मत दो। कोर्ट ने निर्णय दे दिया, राम मंदिर बन रहा, उसका मुद्दा नहीं उठना चाहिए। आप क्यों मुद्दा उठाते हो? आपने 5 साल में क्या काम किए हो, उसका मुद्दा उठाओ। आपने क्या किया है उसकी बातें करो। तो अभी भी जिन्ना मस्जिद ये वो उठाते हैं, और मोदी जी तो करते हैं ना काम। अगर वो, आप ये बताओ ना, किस स्टेट में गए वहाँ का टोपी, वहाँ का ड्रेस, वहाँ का ये चीज नहीं पहनते, और किसी गुजरात के किसी, ये जो मैं आपको पहले भी फोटो दिखाया, इनके गुजरात का ही है, कुछ गुजरात समाज के लोग गए जब उनको टोपी पहनाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं टोपी नहीं पहन सकता हूँ। क्यों नहीं पहन सकते? जब देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए हो, आप सामाजिक लीडर हो, आप जनता के लीडर हो, 135 को चुने हुए जनता के आप नुमाइंदे हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो, तो आपको टोपी पहनना चाहिए। क्यों इतराज आपको टोपी पहन देने? तो आप बोलिए कि हम मुसलमानों का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हम मुसलमानों का लीडर नहीं, आपको बोलना चाहिए। हाँ, आपको क्यों परहेज है? किसके परहेज है? कि आरएसएस का डर है, उनको निकाल देंगे, ये बोलते हैं। एक और भी बात आपको बताना चाहूंगा, ये बोलते हैं कि देश के विभाजन गांधी जी और जिन्ना ने कराया। कभी ये बोल सकते हैं? नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। नाथुराम गोडसे को तो पूछते हैं, महात्मा गांधी को तिरस्कार करते हैं, तिरस्कार करते हैं। जिन्ना और महात्मा गांधी को देश को बंटवारा किया, ठीक है, जिन्ना ने देश को बंटवारा किया। कभी जिन्ना का पुतले को जलाए लोग, कभी जिन्ना के पुतले को गोली मारे, कभी जिन्ना का पुतला को जलाए, कभी जिन्ना के पुतले को गोली मारकर बताए, कोई मुसलमान ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। जिन्ना नुमाइंदा था ही नहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों को, कभी हिंदुस्तान के मुसलमान ने जिन्ना को अपना नुमाइंदा माना नहीं। वो जो थे उनके साथ चले गए पाकिस्तान। जो हिंदुस्तान थे, देश प्रेमी थे, जो देश के लोग थे, हमारे पूर्वज, हमारे बाबा, हमारे दादा, हमारे औलिया इकराम यहाँ पर दफन है, यहाँ पर उनकी कब्र है, यहाँ पर उनकी मजार है। हम क्यों जाएंगे छोड़ के? किस लिए जाएंगे छोड़ के? ये इनको सोचना चाहिए। इसलिए मोदी जी को खुद ये सब करना अच्छा लगता है, इसलिए देश में कराते हैं, डेवलपमेंट का काम करें। आज देखो ना, थोड़े दिन पहले किस तरह पटना में, प्रयागराज में, इलाहाबाद में किस तरह छात्रों को पीटा गया। अगर आज बेकारी नहीं होती तो छात्र पीटते? आज छात्र रोड पे, बेरोजगारी इस तरह बढ़ गई है, इस तरह बढ़ गई है कि अगर ये नौबत रहा तो 2-4 साल में लोगों को अंदर, मैं बोल तो नहीं सकता, वर्ड्स बहुत है, लोग एक दूसरे का सामान छीन लेंगे, लाइक सिविल वार हो जाएगा। जिस तरह की बेरोजगारी बढ़ रही, जिस तरह की गरीबी भुखमरी बढ़ रही, सिविल वार हो जाएगा, मुझे यही डर है। इसलिए मैं मोदी जी से कहूंगा कि बेरोजगारी जितनी भी कंपनियां, कारखाने, एयरपोर्ट, रेलवे, ये वो बेचो मत सर। देश के नौजवान कहाँ जाएंगे? हर साल देखो तो हिंदुस्तान में करोड़ नौजवान 12वीं पास करके बेकार बैठ जाते, तो जोड़ो हर साल 1 करोड़ बच्चा अगर पास होते हिंदुस्तान से 12वीं क्लास तो कहाँ जाएंगे? हर साल 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएशन करते थे, कहाँ जाएंगे? किस उम्मीद पर जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आप कर क्या रहे हो? सारे चीज, सारे संस्थाएं बेच रहे हो, सारी गवर्नमेंट की सारी चीजें बेच रहे हो, ऊपर से बोलते 70 सालों में हुआ क्या, 70 सालों में किया क्या? अरे किया वही तो बेच के खा रहे हो आप। तो डॉक्टर समी खान जी से आज चुनावी चर्चा चल रही है। सर, चलते चलते
जैसे कि मुंबई महानगर पालिका की चर्चा है और देश भर की बातें भी आपसे हो गई हैं। जैसे अब चुनाव होने हैं तो जैसे कांग्रेस, राष्ट्रवादी, महाअघाड़ी जिस तरह सत्ता महाराष्ट्र की चला रही है, तो क्या आने वाले दिनों में इसी तरह से समीकरण होगा कि राष्ट्रवादी, कांग्रेस या शिवसेना मिलके सत्ता चलाएगी, या युति करके चुनाव लड़ेंगे, या किस तरह सीटें हासिल करेंगी शिवसेना पार्टी? क्योंकि जिस तरह अब मतभेद चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में सहयोगी रहेंगे एक दूसरे की। जो सहयोग मिला है भारतीय जनता पार्टी का, तो किस तरह शिवसेना पार्टी सत्ता हासिल कर सकती है, अपने बलबूते पे करने की क्षमता है नहीं है? कैसा है कि पिछले 25 सालों से हम बीजेपी के साथ अलायंस में काम करते थे और काम करते रहे पिछले 25 सालों से। तो अलायंस में थे तो इनको कुछ सीटें हम देते थे, अब उस सीटों पर हम लड़ेंगे। अगर हम अकेले शिवसेना पार्टी लड़ती है तो हमारा जितना पूर्ण बीएमसी के लिए चाहिए बहुमत, हमको बहुमत मिलेगा, बहुमत आ जाएगा। मुझे ये यकीन है कि मुंबई की जनता बीएमसी में शिवसेना के अलावा किसी को पसंद नहीं कर सकती है। अब रही सवाल अलायंस की बात, ये अलायंस हमारा बहुत अच्छा महाराष्ट्र स्टेट में चल रहा है, असेंबली में चल रहा, असेंबली जैसा चल रहा वैसे अच्छा ही चलेगा। इसको भी लोग बहुत तोड़ फोड़ मरोड़ की कोशिश किए, खरीद बिक्री की कोशिश किए, इसमें किया जाए। अब देखें ना, आए दिन कुछ ना कुछ मैटर हो, राज्यपाल के पास चलो, आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ हो, राज्यपाल के पास चलो, अरे असेंबली यहाँ पे है, राज्यपाल के पास चलो। यानी सारे चीज पे इनका हुकूमत है, सारे चीज पे कब्जा चाहते, सब कुछ इनको चाहिए, ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की जनता बहुत होशियार है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, शिव सैनिक बाला साहब ठाकरे के रगों में खून दौड़ता है, शिव सैनिक वैसे हैं। और वो बाला साहब ठाकरे, माननीय उद्धव जी ठाकरे, आदि जी ठाकरे की हर बात, हर मैसेज, हर कार्य को उनके तक पहुंचाएंगे। आज देखिए ना, इतना यंग लीडर आदित्य जी ठाकरे साहब, कुछ हो एक मिनट में आप पहुंचते हैं, कुछ हो एक मिनट पहुंचता है, बिना सोचे बिना समझे। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जहाँ पे हम लोग सोए रहते हैं, कार्यकर्ता 8 बजे तक हमारा लीडर वहाँ पहुंच जाता है, हम लोग जगते नहीं है। हमारे लीडर की इतनी खासियत है और इतनी अच्छाई है, तो वो काम कर रहे हैं। शिवसेना शिवसैनिक जो है ना, काम के बल पे आते हैं, काम के बल पे चुन के आएंगे। और इसीलिए इस बार पूर्ण बहुमत के साथ बीएमसी पे हमारा कब्जा होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे काम किया है, बहुत सारे काम हुआ है, इतने काम हुआ है कि आगे समझे कि नहीं। और आप देखते हैं कितना विकास का काम हो रहा, मेट्रो से लेके, मोनो से लेके, रोड से लेके, जो आज से 100 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम था, ये था, सब कुछ को बदला जा रहा, सब कुछ को चेंज किया जा रहा। बीएमसी सब कुछ कर रही, जो 100 साल पुराना सब कुछ था सब चेंज किया, वक्त के साथ सब कुछ चेंज हो रहा, कहीं कुछ कमी होने नहीं दिया जा रहा। इसलिए बीएमसी में शिवसेना चुन कर आएगी, मुझे यकीन है, विश्वास है, सारे शिव सैनिक तन मन धन से अपने पैर पे खड़े रहेंगे और शिवसेना के चुन कर लाएंगे, ये हमारा विश्वास है। और हमारा बीएमसी में वापस 2022 में हमारा ही भगवा झंडा फहराएगा और माननीय बाला साहब ठाकरे का समझे कि नहीं नाम रोशन होगा। तो खास चर्चा में डॉक्टर समी खान जी से मुंबई महानगर पालिका के चुनाव पे चर्चा चल रही थी। शिवसेना पार्टी का मुंबई महानगर पालिका में झंडा फिर से 2022 में लहराएगा, महापौर शिवसेना पार्टी का बनेगा, ऐसा डॉक्टर समी खान साहब कह रहे हैं। तो इस बार 2022 में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं और मुंबई महानगर पालिका की अगर बात करें तो अनेक समस्याओं से मुंबई कर गुजरते हैं, तो इस बार अपना लोक प्रतिनिधि सोच समझ कर चुने। तो खास मुलाकात में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर किसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए और सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें STV न्यूज को, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें।